अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? आप सबका ठीक है जी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और आज की जो हमारी क्लास है वो आपको याद होगा, लास्ट टाइम मैंने आपसे फ्राइडे को पूछा था कि आप लोग, एक मिनट में लिंक भेज दूँ। हाँ जी, तो आप लोगों की क्योंकि फ्राइडे क्लास के साथ एक क्लैश था, तो इसीलिए आप लोगों की एक क्लास थर्सडे या वेंसडे को हुआ करेगी। तो आप लोगों की वेंसडे को आफ्टरनून की बात कर रहा हूँ, वेंसडे को थर्ड क्लास फ्री होती है और थर्सडे को सेकंड होती है। तो आप लोगों की वेंसडे को थर्ड क्लास हुआ करेगी, इन केस द फिजिकल क्लासेस स्टार्ट। और एक सुनने में तो अच्छी खबर यही आ रही है, अभी फाइनलाइज कोई नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, कि शायद आपकी एक आध वीक तक ऑन कैंपस क्लासेस भी खुल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो तब तक एक आधा हफ्ता हम लोगों ने ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। और चले जी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मॉर्निंग वाले भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी भी कल की जो क्लास थी मॉर्निंग की वो नहीं हो पाई थी। तो चले, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP। अच्छा जी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? पहले तो ये बता दूं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग में, और ये अगेन मैं बेसिकली आप लोगों के लिए चूज वही टॉपिक्स किए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि थ्योरेटिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनका आगे भी फायदा है। तो वो टॉपिक्स करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन में स्कोप कम था, टाइम भी कम था, तो मैंने वही टॉपिक्स चूज किए हैं जो कि थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CVP इज थ्योरेटिकली ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, इसमें भी फॉर्मूलों की भरमार है इसमें भी, लेकिन न्यूमेरिकल भी है और साथ साथ कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल है, वो रटे वाले नहीं है कि बस अकाउंट बनाया और वैल्यू आ गई, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल है, इनमें हर न्यूमेरिकल की एक इंटरप्रिटेशन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना, याद करना आई मीन समझना उसको। तो चले, ये होता क्या है CVP एनालिसिस? द एब्रीवेशन इज फॉर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा, ये एक सामने आपके ना डेफिनेशन लिखी होगी जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, समझा देती है आपको, मैं पढ़ देता हूँ। द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट डेफिनेशन डिफाइंड ऑल्सो एज द CVP मॉडल। इसके अंदर ना बहुत से फॉर्मूलाज हैं, तो ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है ये बहुत से फॉर्मूलाज के ऊपर मुश्तमिल है, और इनमें से काफी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इज अ फाइनेंशियल मॉडल दैट शोज हाउ चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम, प्राइसेस एंड कॉस्ट विल अफेक्ट प्रॉफिट्स। तो बेटा ये बड़ा आसान था ये समझना, कि सेल्स वॉल्यूम मतलब सेल्स की कितनी क्वांटिटी बिकती है, मतलब वो क्वांटिटी ऑफ द यूनिट सोल्ड, वो जब चेंज होती है तो उसका क्या अफेक्ट होता है प्रॉफिट के ऊपर। सेकेंडली, प्राइसेस के कम ज्यादा होने से प्रॉफिट के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, और थर्डली कॉस्ट के कम ज्यादा होने से प्रॉफिट के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। तो ये तीनों का अफेक्ट ऑन प्रॉफिट, और एक्चुअली देखा जाए तो यही तीनों प्रॉफिट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस या टोटल कॉस्ट। तो रेवेन्यू कहाँ से आता है? रेवेन्यू के लिए आपको सेल्स वॉल्यूम भी चाहिए होता है, प्राइस भी चाहिए होती है, और एक्सपेंसेस के लिए आपको तमाम की तमाम कॉस्ट चाहिए होती है। तो इन सब के चेंज करने से क्या अफेक्ट आएगा प्रॉफिट पे, और ना सिर्फ इसको हमने थ्योरेटिकली देखना बल्कि हमने इसको न्यूमेरिकली प्रूफ भी करना है कि क्या जो बात हम समझ रहे हैं या कह रहे हैं कि ये बात वैसी है भी या नहीं। तो इसको हम साथ बैकिंग करेंगे इसकी विद न्यूमेरिकल्स, और ये है जी, दिस इज व्हाट CVP इज ऑल अबाउट। याद रखिएगा, वॉल्यूम, कॉस्ट और प्राइस, ये तीन चीजों का अफेक्ट ऑन प्रॉफिट, और इसको फाइंड करना और इसको डिटरमिन करना और इसको स्टडी करना, दिस इज CVP एनालिसिस। अच्छा, अब ये यूज क्यों होता है, लिखा भी है सामने, अब ये आपको क्यों चाहिए होगा? क्योंकि सर्टन कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक मकसद है वो तो है कॉस्ट कंट्रोल, कि हम पहले कॉस्ट को जानेंगे फिर ही तो कंट्रोल करेंगे। तो
तो इसी तरह जी सीवीपी एनालिसिस का भी जो प्राइमरी मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, और इसके लिए हमें ये सबसे पहले डिटरमिन करना है कि कौन सी कॉस्ट हैं जो प्रॉफिट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं, या जिनको कंट्रोल करके हम सबसे ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए बेसिकली आपको कॉस्ट की प्लानिंग करनी है, आपको सेल्स वॉल्यूम के बारे में भी जानना है कि कितना बेचेंगे हम तो कितना प्रॉफिट होगा, उसकी भी प्लानिंग करनी है कि हमने इतना बेचना है, और कॉस्ट के बारे में प्राइस कितनी रखनी है, कितनी प्राइस रखेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीजें आपने बेसिकली जाननी है टू दिस सीवीपी एनालिसिस। ठीक है, और ये जो सीवीपी एनालिसिस है ये इजी से फॉर्मूले हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन बस याद इस जेन में रखिएगा, समझिएगा, वो फॉर्मूला तो बहुत इजी है, वैल्यूज भी गिवन होती है सारी, वो आप इजीली कर लेंगे। तो मैं लाइन पढ़ देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ सीवीपी एनालिसिस इज फॉर प्लानिंग मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। ओके जी, तो चलें अब हम ठहरे, मैं एक आधा क्वेश्चन था आपका। अच्छा जी, फिजिकल एग्जाम्स का, यार ये अब इतने अभी हमने दूर की नहीं सोची जो सही बात है, और ये कोई पता नहीं है अभी कंफर्म। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कंफर्म तो ये भी नहीं है कि नेक्स्ट वीक से क्लासेस खोल रही हैं या नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपकी क्लासेस एक आध हफ्ते तक शायद फिजिकल हो जाए शुरू। अब वो भी आपका सेमेस्टर पहले आएगा, कौन सा आएगा, ऑल्टरनेट डेज होगा, क्या होगा, अभी कुछ नहीं है। इस हफ्ते यूनिवर्सिटी वो प्लान आउट कर लेगी, और बल्कि आज या कल में मेरा ख्याल है नोटिफिकेशन आ भी जाएगा इससे रिगार्डिंग। और वो क्या होता है हमें नहीं पता, उसके बाद एग्जाम्स की क्या पॉलिसी बनती है हमें नहीं पता, शायद आपके मिड हो जाए ऑनलाइन और दूसरे फिजिकल हो जाए, तो कोई पता नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोग जरा आप लोग भी सब्र रखें और उम्मीद दुआ करें कि जल्दी से इस हफ्ते हम बाहर निकलें और आपकी क्लासेस रिज्यूम हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट ये है जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बल्कि ना सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये फाइनेंस में भी आप पढ़ेंगे शायद दोबारा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ये हम बार बार पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेक इवन, आप लोगों ने ये टर्म शायद कभी वैसे यूज की हो जिंदगी में, अगर नहीं की तो आज के बाद आप इसको जिंदगी में भी यूज करेंगे कि यार मैं तो ब्रेक इवन हो गया, यार मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट की थी, मैं तो जीरो हो गया। ठीक है, जीरो का मतलब क्या है, आप अगर किसी ने की हो तो उसको पता हो, और या पूरे पूरे हो गए यार पैसे, यार इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई पूरी की पूरी, या ब्रेक इवन हो गया मैं, इन सब का मतलब एक ही है। और इन सब का मतलब क्या है, बेसिकली ब्रेक पॉइंट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, अ सिचुएशन इन विच कंपनी एक्सपीरियंसेस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन का फाइनेंस में अकाउंटिंग में मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको कोई नफा और कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं, विच मीन्स द प्रॉफिट इज जीरो, द प्रॉफिट इज जीरो। अच्छा, ये तो पता चल गया ये है क्या। अब सवाल पैदा होता है कि ये इसको कैलकुलेट क्यों करना है। एक मिनट यार, ये यार कोई ग्रुप में ना लिंक सेंड कर दे, एक मिनट ये मैं कर देता हूँ। चले, ये तो पता चल गया जी कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, नाउ व्हाई इज इट कैलकुलेटेड या व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट आपको क्या कैलकुलेट करके देगा, द नंबर ऑफ सेल्स यू नीड टू कम टू अ ब्रेक इवन पॉइंट, यानी आपको कितने यूनिट सेल करने हैं कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाएं। और इसकी इंपॉर्टेंस भी इसी बात के अंदर है कि
कि हमें उतने यूनिट्स पता चल जाते हैं जो हमें बेचने हैं, इफ वी वांट टू अचीव नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कंपनीज इसको समझती हैं कि दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी हैव टू सेल, दैट वी हैव टू सेल। चले जी, तो इस बात के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है कि बेसिकली कंपनीज को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दे हैव टू सेल, क्योंकि लॉस में कोई भी नहीं जाना जाता। ठीक है प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लॉस तो ना हो। तो लॉस से बचने के लिए हमें पता है कि हमने मिनिमम इतने तो बेचने हैं, उसके बाद जितने बिक जाए दैट इज अ बोनस। तो कंपनीज को ये प्लान करने में, अपनी सेल्स स्ट्रेटजी प्लान करने में मदद मिल जाती है, इवन उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्शन की भी मिल जाती है, एक स्ट्रेटजी मिल जाती है, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी भी, कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और मिनिमम, और कितने यूनिट्स हमने मिनिमम सेल करने हैं। तो यहां से कंपनीज इसको अपना एक थ्रेशहोल्ड समझती है कि ये मिनिमम पॉइंट है हमारा जहां से हमने अपने प्रोडक्शन और सेल्स को पहुंचाना है जहां तक, इसके बाद जितना ज्यादा हो जाए वो हमारा प्रॉफिट है। तो इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यहां से आपकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है। ठीक है, अच्छा, तो फिर आ जाते हैं जी इसके फॉर्मूले की तरफ। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कैलकुलेट करना है कैसे, इसके फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। यार ये एक मिनट, स्क्रीन का ऑप्शन, एक मिनट की चले। अच्छा, तो ये अब आपको इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो बिफोर वी कैलकुलेट ब्रेक इवन, हम लोगों को एक छोटी सी बहस करनी है बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। ये क्या बहस है जी? चले एक मैं आपके सामने ना ये स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी, और यहाँ पे ना आज आपको प्रॉफिट और कॉन्ट्रीब्यूशन दो टर्म्स आपने सुनी है जरूर, और शायद आपको पता भी हो इसका, बट चले मैं भी आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो यार, प्रॉफिट कैलकुलेट करना अगर, तो सिंपल सी बात है, तो मैंने ये मोबाइल फोन लिया फॉर एग्जाम्पल 20,000 का, ठीक है, और मैंने ये मोबाइल फोन आगे बेच दिया 25,000 का। कितने का बेचा, पैसे कितने आए मेरे पास, 25,000। लिया मैंने कितने का था, 20,000 का, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000। ठीक है, मैं कहता हूं जी मुझे प्रॉफिट हुआ 5,000 का, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने ये एक दुकानदार के थ्रू बेचा और उस दुकानदार ने 1,000 रुपया अपनी कमीशन भी रखी, तो मैं 1,000 रुपया माइनस कर दूंगा। फिर मुझे याद आया कि ये पीटीए अप्रूव्ड नहीं था और 1,000 रुपया मैंने एक बंदे को दिया इसको पीटीए अप्रूव कराने में, तो मजीद 1,000 रुपया मैंने माइनस कर दिया। मुझे फिर याद आया कि ये मोबाइल उस बंदे को देने के लिए मैं उबर पे गया था और उबर का कराया था 500 रुपया, तो मजीद 500 रुपया मैं इसमें से माइनस करूंगा। फाइनली मेरा प्रॉफिट कितना निकला, 2,500 रुपया। तो मैं जिस प्रॉफिट को 5,000 बना रहा था वो एक्चुअली कितना है, वो है 2,500। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज द प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट क्या है, आप कहेंगे द प्रॉफिट इज 2,500। ऐसा ही है, द प्रॉफिट इज 2,500। हाउएवर ये 5,000 भी तो कोई चीज है, ठीक है, ये 5,000 क्या है जी,
ये 5000 भी एक प्रॉफिट है, लेकिन ये वो प्रॉफिट है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की है, जिसमें से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की है, और इस प्रॉफिट को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। याद है आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें से आप सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ सीजीएस माइनस कर देते हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अच्छा, अब इसी बात को याद रखिएगा कि दो प्रॉफिट्स आए ना, एक तो आया नेट प्रॉफिट 2500 का, एक आया 5000 का क्रॉस प्रॉफिट। अब इसी टर्म को या इसी कॉन्सेप्ट को हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं दो मोबाइल फोन इसी तरह खरीदता और बेचता हूं, अगर मैं ये सारे मोबाइल फोन उसी तरह दो खरीदता और बेचता हूं, तो ये 50,000 के दो बिके, लिए मैंने कितने के थे, 40,000 के, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया होगा, 10,000। अच्छा, दुकानदार को मैंने दिए 2,000, पीटीए अप्रूव्ड के मैंने दिए 2,000। अच्छा जी, लेकिन उबर के 500 ही लगे, उबर के 500 ही लगे, क्योंकि मैंने अपने हाथ में एक जेब में एक मोबाइल रखा, दूसरे में दूसरा रखा, गया तो मैं एक ही दफा उबर में, उबर पे 500 रुपए ही लगा। अब मेरा प्रॉफिट दो के साथ कितना हुआ, आप ये देखें जी, 10,000 और ये 6 और 5500, ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो गया 5500 का। सिमिलरली मैं अब तीन मोबाइल बेचता हूं, और तीन मोबाइल का मतलब है 75,000 माइनस 60,000, 15,000। अच्छा जी, यहां पे अब दुकानदार के साथ मेरी डील हुई थी कि मैं तुम्हें तीन मोबाइल का भी 2,000 ही दूंगा, इसी तरह पीटीए वाले से भी डील हुई थी कि तुम्हें तीन मोबाइल का 2,000 ही मिलेगा, और जो उबर है वो तो अगेन 500 ही रहा। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 11,500। अब इसके अंदर दो तीन कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, वो क्या जी, अगर आप देखें तो ये पहली एग्जाम्पल के अंदर जो एक्सपेंसेस थे और दूसरी के अंदर जो थे, उनमें सारे के सारे डबल हो गए, सिर्फ एक ये ऊपर वाला एक्सपेंस मेरा वही का वही रहा। अच्छा, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो उबर का एक्सपेंस है, ये तो बल्कि तीनों बारी में सेम रहा ना, ये बेसिकली एक फिक्स्ड कॉस्ट है। दिस कॉस्ट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, व्हिच मींस दैट इट डिड नॉट चेंज विद द सेल्स एक्टिविटी। मैं एक यूनिट बेचूं या दो बेचूं, ये चेंज नहीं हुई, तो इसको मैं कहता हूं ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अच्छा, इसी तरह जो तीसरा एग्जाम्पल है उसको अगर दूसरे के साथ कंपेयर करें, तो उसमें भी ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस अनचेंज्ड रहे, यानी ये 4,500 रुपया ये भी क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो चेंज क्या हुआ, सिर्फ सीजीएस यानी मोबाइल का जो खर्चा था वो तो मुझे किसी ने मुफ्त मोबाइल तो नहीं दिया, सिर्फ वही चेंज हुआ। तो मैं कहूंगा कि दिस 2,500, दिस 4,500 इज अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर मी नाउ, एंड दिस 60,000, दिस हैज चेंज्ड, चेंज्ड विद व्हाट, चेंज्ड विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब सेल्स एक्टिविटी यानी सेल्स वॉल्यूम, तो सेल्स वॉल्यूम की वजह से ये चेंज हुआ,
और ये तमाम एक्सपेंसेस अनचेंज्ड रहे, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 40 और 60, और ये तमाम हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसमें मैं टाइम नहीं चेंज जाया करता, और आपको जो बताने वाली बात है वो बता देता हूं। तो यहां पे बेटा इन सारी कैलकुलेशंस के अंदर एक प्रॉफिट है और एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली जिसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा था, दैट इज एक्चुअली ये जो 10,000, 15,000 या ये 5,000 है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये जो 25, 55 और 11,500 है, ये है प्रॉफिट। सो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन टर्न्स आउट टू बी, एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, या प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, जो आपकी सेलिंग प्राइस है, माइनस फिक्स, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट। यही प्रॉफिट है ना, तमाम की तमाम कॉस्ट माइनस कर दी प्राइस के अंदर से, ये प्रॉफिट आ गया। वेयर एज जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्राइस माइनस ओनली वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये है कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में फर्क। अब प्रॉफिट के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसकी वजह से प्रॉफिट हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाई इज दैट सो? यहां पे आपको याद आएगा रेलिवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, तो मैंने शायद आपको तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाया हो या चौथे में, तो मैंने दूसरों को पढ़ाया है तो आपका पता नहीं, या तीसरे में भी मैंने पढ़ाया होगा। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, याद अगर आप करें के जो रेलिवेंट कॉस्ट है वो कॉस्ट होती है जो आपके डिसीजन की वजह से चेंज होती है, जो आपके डिसीजन की वजह से चेंज होती है, और जो आपके डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होती वो इररेलेवेंट कॉस्ट है। तो इस केस में जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज रेलिवेंट कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज इररेलेवेंट। तो इसको आप अपने डिसीजन से निकाल दें, फिक्स्ड कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को अपने डिसीजन से निकाल दें। जब आप इसको इस फॉर्मूले से निकाल देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली इन डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट इज नॉट यूज, क्योंकि इट कंटेन्स फिक्स्ड कॉस्ट विच इज गोइंग टू रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ अ डिसीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन एटसेट्रा। जो चेंज होगा वो होगा जी हमारी वेरिएबल कॉस्ट, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो पोर्शन जो रेलिवेंट है वो कहलाता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और हम इसी को आगे कॉस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। यही हमारे लिए प्रॉफिट है, यही सब कुछ है, इसी को देखते हुए आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसिडर फिक्स्ड कॉस्ट इन योर डिसीजन, इट इज इररेलेवेंट। ठीक है, एक चीज जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसको आप सोच के उसके बारे में या उसको कैलकुलेशन में ला के टाइम ही जाया करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए उसके बारे में सोचना चाहिए जो कि चेंज होता है, और उसी के मुताबिक भी डिसीजन मेकिंग करनी है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो यहां पे अब आपको अब बताता हूं जी ब्रेक इवन का फॉर्मूला। तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये फॉर्मूला आपने समझ लिया, अब इसको हम दोबारा से एक और फॉर्मूले की मदद से समझते हैं। तो याद रखिएगा ब्रेक इवन का फॉर्मूला, यहां पे मैं लिख देता हूं, ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, तो ब्रेक इवन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई प्रॉफिट नहीं है और कोई लॉस नहीं है।
ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि आपने ये फिक्स्ड कॉस्ट को क्यों कंसिडर किया, फिक्स्ड कॉस्ट को क्यों कंसिडर किया। एक मेरे जहन में बात आई कि ब्रेक इवन अगर हम कुछ भी ना बनाए और कुछ भी ना बेचें तो वो भी तो ब्रेक इवन है ना, कुछ कमाया ना कुछ गया, ठीक है, क्या ये ब्रेक इवन है? तो बेटा ये सुनने में तो ब्रेक इवन लगता है, लेकिन दिस इज नॉट ब्रेक इवन। व्हाई? जो ब्रेक इवन का मतलब है कि आपकी प्राइस और आपकी कॉस्ट ये सेम होंगी तभी तो ब्रेक इवन होगा। तो अगर आपकी प्राइस जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं बेचा आपने, रेवेन्यू जीरो है और आपकी कॉस्ट भी जीरो है, तो असूलन तो आपका प्रॉफिट या कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम कॉस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, कॉस्ट को जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें जीरो प्राइस और अगर कुछ भी नहीं बेचेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। अगर मैं कोई मोबाइल नहीं बेच रहा मेरी कॉस्ट भी जीरो है, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो कि मुझे बेयर करनी पड़ सकती हैं, जिसको मैं कहता हूं फिक्स कॉस्ट। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल में, अगर सब कुछ जीरो है और मेरी फिक्स कॉस्ट 100 है तो बेटा मुझे तो फिर बेसिकली 100 का लॉस हो गया। देयरफॉर मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ भी ना बेचे और कुछ भी ना खरीदें तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, मतलब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा कुछ ना खरीदने कुछ ना बेचने से, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपको हर हाल में बेयर करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री की अगर बात करें तो एक फैक्ट्री कहती है जी कि हम चीजें बनाते हैं, मिसाल के तौर पर कप बनाती है वो फैक्ट्री, वो कहते हैं कि हम कोई कप नहीं बनाते और इसका मतलब है कि जीरो अगर प्रोडक्शन या सेल्स होगी, कोई कप नहीं बेचेंगे तो ना कोई कप बनेगा यानी कॉस्ट भी जीरो, ना कोई कप बिकेगा यानी रेवेन्यू भी जीरो, तो ब्रेक इवन हो जाएगा। तो फिर उसको बताया जाएगा कि आप कुछ भी ना करें, आप एक महीना फैक्ट्री बंद भी रखें, उस फैक्ट्री का रेंट तो देना पड़ेगा और उस फैक्ट्री के मुलाजमीन की तनख्वाहें, यानी लेबर, डायरेक्ट लेबर तो नहीं देंगे लेकिन इनडायरेक्ट लेबर तो आपको देनी पड़ेगी, वॉचमैन की जो तनख्वाह देनी पड़ेगी और कुछ इम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहें आपको देनी पड़ेंगी, रेंट देना पड़ेगा, ये कुछ चीजें तो आपको हर हाल में देनी पड़ेंगी, तो आपको लॉस तो हो जाएगा। तो फिर फैक्ट्री वाले कहेंगे अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम इतनी सेल्स कर लेते हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट्स कवर हो जाए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इतनी सेल्स करनी पड़ेंगी कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए, तो इतनी तो कम से कम आपको सेल्स करनी पड़ेगी। और ब्रेक इवन यूनिट का इसका मतलब है, मतलब ही ये हुआ कि आप वो नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करें जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। और ये फॉर्मूला यही है, अगर आप देखें कि आपने बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना है और फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए कितने यूनिट्स बेचने हैं, तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि एक यूनिट आपको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, एक यूनिट इतना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, ये हम इतनी दफा अगर कमाएंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपीज एक एग्जांपल में, और आपकी जो सेल्स प्राइस है वो 10 है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो 6 है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है जी 4 पर यूनिट, यानी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपकी कमाई है 4 की और आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 1000 की, ये 4 आपको कितनी दफा कमाना पड़ेगा तो 1000 कवर होगा, समझ रहे हैं? इसका मतलब है कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, तो 1000 / 4 इज इक्वल टू 250 यूनिट्स। दिस मींस इन ऑर्डर टू अचीव जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस The company must sell minimum of 250 units. तभी आपकी fixed cost cover हो जाएगी। इसके बाद जितना बेचेंगे fixed cost तो cover हो चुकी हुई है, तो आपको 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मुनाफा होता रहेगा होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी कंपनी को एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट मिल गया। अच्छा जी, अगर हमारी क्लास खत्म हो जाए तो आपने रीज्वाइन कर लेना, ठीक है, आखिरी मिनट है, आप फिर रीज्वाइन कर लीजिएगा।
तो बेटा दिस मींस दैट 250 यूनिट्स इज आर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी इतने आपको कम से कम बेचने पड़ेंगे, और इतने बेचने हैं तो इसका मतलब इतने आपको मिनिमम बनाने भी पड़ेंगे। तो यहां से आपको आपकी मिनिमम प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम का पता चल गया कि इतना तो आपको राल में करना है टू कवर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, दोबारा देख लें, 1000 फिक्स कॉस्ट है, एक यूनिट के पीछे चार बच रहे हैं, तो ये 1000 डिवाइडेड बाय 4 यानी 250 यूनिट बेचेंगे तो चार चार करके आपको 1000 कमाने का मौका मिलेगा। इसके ऊपर जितने बेचेंगे वो आपका प्रॉफिट ही है। तो दिस इज ब्रेक इवन। चलो जी, तो ये कि आपको मैंने बड़ी क्रिएटेड सेल्फ क्रिएटेड एग्जांपल अभी दी थी, एक और एग्जांपल आपको ये देखें जी अब क्लियर करने के लिए बताता हूँ। ये एग्जांपल पढ़ रहा हूँ मैं, इसको गौर से सुनिएगा। Colin is the managerial accountant in charge of company A, which sells water bottles. He previously determined that the fixed cost of company A consists of property taxes, a lease, and executive salaries, which add up to 100,000. अच्छा, ये accountant ने अंदाजा लगाया कि कुछ fixed costs हैं company A की, जिसमें taxes हैं। ये इससे ना आपको examples मिल जाती हैं कुछ fixed costs की। Taxes हैं, lease जो यानी rent है, सैलरीज हैं, एग्जैक्टिव सैलरीज, $100,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग वन वाटर बॉटल इज ₹2 पर यूनिट, और वो वाटर बॉटल को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकती है? प्लास्टिक, ठीक है, लेबर कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो या वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट की है। द वाटर बॉटल इज सोल्ड एट अ प्रीमियम प्राइस ऑफ $12। ये इंफॉर्मेशन आपको बेटा हमेशा गिवन होगी, इतना इजी ये सवाल है कि ये आपको हमेशा इंफॉर्मेशन गिवन होती है, और इसके मुताबिक आपने डिटरमिन करना है अगर ब्रेक इवन तो क्या होगा। फॉर्मूला क्या था ब्रेक इवन का? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ऐसा ही है तो बेटा देख ले, 100,000 फिक्स कॉस्ट है सवाल में गिवन है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस आपको गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है, तो ये 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12 - 2 यानी 10, तो 10,000 यूनिट्स आंसर आया। इसका मतलब है इस कंपनी को कॉलिन को ने अंदाजा लगाया कि कंपनी ए को ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए यानी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए 10,000 बॉटल्स बेचनी पड़ेंगी, तभी जाके उसको ब्रेक इवन होगा। इससे ज्यादा जितनी बेचेंगे वो आपकी मर्जी है, आप जितना प्रॉफिट कमाना चाहें, लेकिन इससे कम नहीं आपने बेचनी, तो ये मिनिमम। और इसी के हिसाब से फिर आपने अपनी प्रोडक्शन करनी है, सेल्स टारगेट बनता है, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्शन टारगेट बनता है। तो ये आपने ब्रेक इवन का एक और फॉर्मूला देखा। अब मैं आप लोगों के साथ चले, एक पहले मैं आपको और एग्जाम्पल दे दूं, चले देख ले, पहले एक वीडियो देख लेते हैं मजीद क्लैरिफाई करने के लिए इसको। ये तो थी चार्ट, ये अभी बाद में देखते हैं। बेटा मीन वाइल कोई क्वेश्चन हुआ करे ना तो आप वो चैट में लिख लिया करें, मैं थोड़ी देर बाद ना उसको देखता रहता हूँ, आपको पता है। तो चले जी, लेट्स सी दिस वीडियो, ये इसमें भी एग्जांपल है। How to calculate the break-even point for your business? This break-even analysis video explains the break-even point in words, in graphs, and in formulas, and encourages you to take various actions in your business to improve profitability. A common definition of the break-even point is the sales volume where neither profit nor loss is made. An alternative way of saying the same thing, the break-even point is a sales volume where contribution margin dollars equals fixed cost dollars. Let's look at the break-even point on the graph. On the horizontal axis, the number of units sold. On the vertical axis, the total dollars. Contribution margin dollars go up for every unit sold. Contribution margin is revenue minus variable cost, what you sell the product for minus what it costs you to make an incremental unit.
Fixed costs don't vary with the number of units sold. Typical examples of fixed costs are rent, depreciation, and research and development expenditures. The break-even point is right here, where the two lines intersect. Let's put some numbers to the example. If fixed costs are $200,000 and contribution margin is $4 per unit, then the business needs to sell 50,000 units to break even. If the business sells fewer than 50,000 units, the red area, then contribution margin is lower than fixed costs and the business is loss-making. If the business sells more than 50,000 units, the green area, then contribution margin is higher than fixed costs and the business makes a profit. Let's do the exact same break-even analysis, but in formulas. The break-even point is the sales volume where contribution margin dollars equals fixed cost dollars. That's the same as saying that the volume sold times the contribution margin per unit equals the fixed cost dollars. And that's the same as saying that the volume sold to break even is equal to the fixed cost dollars divided by the contribution margin per unit. And that's the same as saying that the volume sold to break even is equal to the fixed cost dollars divided by the selling price per unit minus the variable cost per unit. Let's fill in the numbers to illustrate. $200,000 of fixed costs. The business needs $200,000 in contribution margin to cover that $200,000 in fixed costs. At $4 contribution margin per unit, $10 selling price per unit minus $6 variable cost per unit, the volume sold needs to be 50,000 units. That's all very interesting, but what should a business owner do with this information? The first thing that comes to mind is to try to sell as many units as possible. Increase the volume sold. But that's not the only choice the business owner has. He or she can also work on reducing the fixed costs, increasing the price per unit, or reducing the variable cost per unit. Work on all these variables at the same time, and the break-even point becomes dynamic instead of static. Want to learn more about business, finance, accounting, and investing? Then subscribe to the Finance Storyteller YouTube channel. Thank you. जी बेटा, तो ये वही बात थी और इसमें बल्कि उसने चार्ट भी समझा दिए जो मैंने आगे समझाना था, वो अच्छा हो गया। तो मैं भी आपको इसके बाद समझाता हूँ। इससे पहले एक और बात इस वीडियो में थी, वो आपको समझा देता हूँ। अच्छा, हमने जो अभी फॉर्मूला किया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का, यानी आपको इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन ब्रेक इवन को समझने का एक और नजरिया भी है, एक और एंगल भी है। एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ यूनिट्स, हमारे पास एक और चीज समझने वाली, दैट इज जिसके थ्रू हम ब्रेक इवन को फाइंड भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, दैट इज द अमाउंट इन डॉलर्स जो आपको सेल्स करनी पड़ेंगी। क्योंकि सेल्स वालों को आप नंबर ऑफ यूनिट्स भी बता सकते हैं, साथ आप उनको अमाउंट इन डॉलर भी बता सकते हैं कि यार इतने डॉलर्स की आपको सेल करनी पड़ेगी, ताकि वो उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग एटसेट्रा सेल स्ट्रेटजी वो बना सकते हैं। तो हो सकता है प्राइसेस कहीं पे कम कर दें, कहीं पे ज्यादा कर दें। तो ये तो और सेल्स वालों को आप बता देंगे ये आपने इतने अमाउंट की सेल्स करनी है। तो एक और एस्पेक्ट इसका ब्रेक इवन का है टू फाइंड द ब्रेक इवन इन अमाउंट। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो सबसे ऊपर आपके पास ये फॉर्मूला लिखा रहा है, देखें जी, ये फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो, ये फॉर्मूला है ब्रेक इवन इन डॉलर्स का। ब्रेक इवन इन डॉलर का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। अब ये सीएम रेशियो क्या है ये याद रखिएगा, अगले ही लाइन में इसका फॉर्मूला भी गिवन है। बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशियो,
इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशियो। इसमें आप क्या करते हैं, आप कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं सेल्स के साथ। यानी पर यूनिट की अगर बात करें तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये कितना परसेंटेज है एज कंपेयर टू सेल्स। इसका फॉर्मूला देखें अगर आप, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इस सारे आंसर को डिवाइड कर देना आपने सेल्स से, तो ये आता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसी फॉर्मूले के अंदर अगर आप वो एक और एग्जांपल अगर देखें इसी फॉर्मूले के साथ, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक आपके पास सिनेरियो है जिसमें फिक्स कॉस्ट 6000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 है, सेल्स प्राइस पर यूनिट 50 है, तो आपने फाइंड करना है ब्रेक इवन इन डॉलर्स या रुपीज, बेसिकली अमाउंट में फाइंड करना है आपने ब्रेक इवन। तो उसके लिए सबसे पहले आप निकालेंगे जी कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, उसका फॉर्मूला वही है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो आपने पीछे भी किया था, तो वो क्या होगा 50 माइनस 25, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज $25। अच्छा, उसके बाद आपको ये मार्जिन रेशियो फाइंड करना है, आपको ये मार्जिन रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए ये किस तरह फाइंड किया आपने, कॉन्ट्रीब्यूशन पर मार्जिन पर यूनिट आपने कैलकुलेट किया था 25 और टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी 50, तो 25 डिवाइडेड बाय 50 ये बन गया 0.5, 50% या 0.5। दिस मींस दैट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 50% ऑफ द टोटल सेल्स, ये या 0.5 टाइम्स ऑफ टोटल सेल। अब आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अगर डॉलर्स में, तो उसका फॉर्मूला सबसे ऊपर लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। तो सीएम रेशियो आपने 0.5 फाइंड कर लिया, तो फॉर्मूले के अंदर अगर ये वैल्यू सपोर्ट करें, फिक्स कॉस्ट 6000 थी, सीएम रेशियो थी 0.5, तो आपको $12,000 की सेल्स करनी पड़ेंगी अगर आप अपना ब्रेक इवन फाइंड करना, ब्रेक इवन पे पहुंचना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो $12,000 की सेल्स करनी पड़ेंगी। दूसरे केस में अगर इसी को हम यूनिट्स में कैलकुलेट करते तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट वो कितना है जी 25, तो 6000 को अगर आप 25 से डिवाइड करें तो ये बनता है 240। यानी कि या तो आप 240 यूनिट्स सेल कर लें या तो $12,000 की सेल कर लें, और इट्स द सेम, दोनों में आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस अचीव हो जाएगा। बस ये समझने का नजरिया डिफरेंट है, स्ट्रेटेजी का नजरिया डिफरेंट है, व्यू पॉइंट डिफरेंट है। एक कह रहा है कि हमें अमाउंट में पता होना चाहिए ब्रेक इवन का, एक कह रहा है यूनिट्स में पता होना चाहिए, तो दोनों पे फाइंड कर लें, तो जिस तरीके से आपको बेहतर समझ लगे या टारगेट बेहतर आप बना सके उस तरीके से आप वो टारगेट बना लें। चलें जी, अब मैं एक सवाल लेता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कोई सवाल है बेटा तो बता दें, वरना मैं आपको फिर इसकी एक दो वीडियोज हैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ। कौन से वाली थी, चले पहले ये वीडियो देख लें, दो वीडियोस अभी हमने देखनी है और इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट आपके एग्जांपल्स काफी हो जाएंगे एंड विल बी गुड टू गो विद द नेक्स्ट टॉपिक जो कि ब्रेक इवन चार्ट का है। दिस इज फार्मर चो, he grows apples, and this is investment banker John Parker from Goldman Sachs. Good day to you, sir. Howdy, partner. Farmer Joe, have you ever heard of the break-even point? Well, I don't care about a fancy thing called the break-even point. All I want to know is how many apples I have to sell to make money with my business. Well, that's exactly what the break-even point is for, Farmer Joe. So, are you interested in it? Yeah, for sure. Tell me more about it. All right then. So, first of all, we need to know how much do you charge for an apple? I charge $1 for an apple. Do you eventually know what the production costs of one apple are? Well, a fancy guy like you used to do that math for me. He told me that I spend 50 cents an apple for diesel, pesticides,
and labor. But I don't know if I would trust the Harvard guy. Yeah, whatever. So, these are your variable costs per apple. Variable means that if you don't crop any apples, you would have no variable costs. Is that clear to you? Yeah, of course. I'm not dumb. I don't need pesticides or diesel if I don't crop any apples. But what about my tractors? Yeah, we will come to that issue right now. Overheads are, for example, depreciation of your tractor, interests of your bank loans, and other expenses like insurance, and of course, office workers. These are your fixed costs. You have to deal with them no matter whether you crop a million apples or just five. Ah, that sounds reasonable. According to my financial guy, I have $25,000 in overheads. So tell me, where is my break-even point? Well, Farmer Joe, in general, when you want to get your break-even point, you have to take all your overheads and divide them by the contribution margin per unit. The contribution margin is the difference between your selling price and the variable cost. Boring! Why don't you just tell me, in numbers, how many apples I do have to sell? Oh, excuse me, sir, I will come to that right now. In your case, you've got $25,000 of overheads. And you divide them by a contribution margin of 50 cents. You get this contribution margin because you sell one apple for $1. And you have variable costs of 50 cents for one apple. And when you do all the fancy math, the break-even point equals 50,000 apples. And so, Farmer Joe, you have to sell 50,000 apples to reach your break-even point and to break even. Whoa, wait a minute. Tell me, how on earth should I possibly sell 50,000 apples a year? What could we do to break even a little earlier? Let's say with 25,000 apples. Interesting question, Mr. Joe. You see that three figures have an impact on the break-even point. And these figures are the selling price, your variable costs per unit, and your overheads. You could reach your break-even point earlier if you would raise, for example, your price, let's say by 20%. Then you make $1.20 per apple. So, let's see when you break even now. So that means I break even at about 36,000 apples? Well, that's not enough. There's gotta be something we can do about this. Well, let me think. Well, I'm sure you could work more efficiently and decrease your variable costs per apple to, let's say, about 40 cents per apple. Therefore, you would break even at 31,250 apples. Well, that already looks way better to me, but I think there's still some room, isn't it? Yeah, last but not least, we could try to decrease your fixed costs. Let us talk with the bank and insurances. Maybe we can fix a deal and decrease them to about $20,000? Then we could break even at 25,000 apples. Well, that would be great. Thank you very much, fancy business guy. My pleasure, Farmer Joe. It is not only my job to run around in fields and explain business terms to farmers like you. It is also my passion. अच्छा ये एक लास्ट वीडियो देख ले एग्जांपल के इसमें ये वाला भी एग्जांपल है अमाउंट वाला भी तो इसके बाद फिर हम इस क्लास को कंक्लूड करेंगे Today's video we're going to talk about something called cost volume profit analysis and more specifically how we can use CVP analysis to calculate something we're going to call the break even which is basically the point where a business is not losing money, it's not making money, it's just breaking even. So I think this is best illustrated using an example. So let's pretend that you decide you want to start a restaurant. You're going to sell
sub sandwiches. So you've got a little sub shop here. Now we need to know what's the price before we can figure out how much it's going to take to break even. We need to know how much you're going to sell each sub for. So let's say you just do some research, you figure, okay, I can get $5 for each sandwich. So we just input that. Now we need to know what's the cost for each sandwich, and that's going to be the variable cost. Now with this cost here, what I'm talking about is the cost to specifically make a sandwich, the bread, all the input, the pickles, the lettuce, whatever it is that you put. Every time you decide to make a sandwich, you're going to incur some specific costs, and those are going to be the variable costs, as they vary with the number of sandwiches you make. So let's say that that's $3. Now, what this is going to yield, we're going to take the difference here. We're going to subtract from the price these variable costs, and that spread is something that we're going to call the contribution margin. Now, contribution margin might sound a little complex. Let's just relax for a moment while I explain. So first of all, it's $2. And all this, by the way, is on a per unit basis, per unit. So this is for each sandwich is $5. Each sandwich, we're going to incur $3 of cost. And each time, we've got a spread of $2. So the first question is, well, contribution toward what? Well, we've neglected an important cost here. And that cost is going to be something we call our fixed costs. Okay. So now, what are fixed costs and how do they differ from variable costs? Well, we're going to have things like rent, and then we might have some insurance for our building or for our equipment, and so it's so forth. I'm not going to name them all here, but they're basically costs that do not change. They're fixed, regardless of how many sub sandwiches we sell. So if we sell, let's say 10,000 subs or 1,000 subs, our rent will still be the same. However, the amount of lettuce that we use will be different because that's a function of how many subs we actually make. But the rent is completely fixed with respect to how many subs we make. The insurance is fixed. So those things, they don't vary based on how many subs. So let me change colors here again. Let's go with purple. So now let's actually go and we've got a nice little formula here for how we can say we're going to break even. So let me just put here. So there's a couple ways we can think about this break even point. And one way is to think about it in terms of units. Now by units here, what I mean is the number of sub sandwiches that we sell. So is it going to take 500 sub sandwiches that we have to sell before we break even, or 5,000? There's a convenient formula, and that formula is going to be fixed costs, which I'm just going to abbreviate as FC here. Those are our fixed costs from down here. Oh, I forget to put a number. Let's put a number to those fixed costs. Let's say that those fixed costs are $20,000. That's what it costs for your rent and everything. So now these fixed costs, this $20,000, we're going to divide that by the contribution margin per unit. So for each sub, every time we sell one for $5, we net out first this $3 for pickles and bread, and that leaves us with that $2 extra per sub. So that spread is going to be contributed toward the remaining fixed costs. Okay, so that's why we've got that here. And then this is going to be, we'll just put the, now we're just copying numbers here. There's nothing. So we got the $20,000 fixed costs divided by this $2 here. And that's going to yield $10,000. 10,000 units, and which is the same as, you know, 10,000 subs. So I'll just put that there. So basically, this is saying that if we don't want to lose money, if we want to at least break even, we have to sell at least 10,000 sandwiches at this price, assuming this variable cost per unit. So, but there's another way to think about the break-even point. So instead of thinking about the break-even point in terms of the number of subs that we have to sell,
We could also think of it in terms of the actual sales dollars that we would have to ring up on the register before we would break even. So it's just the formula is very simple here. So now again, it's fixed cost, just like before, but now we're going to divide by something called the contribution margin ratio. Okay. Now this ratio, let me just change colors here. It's pretty simple to calculate. We're basically trying to figure out for every dollar that we sell, every time we sell, have a dollar in sales, how much of that dollar goes toward these fixed costs. So we're going to take the 2 and divide it by the 5. So our contribution margin ratio, there we go. That's 0.4. So 40 cents of every dollar can be contributed toward our fixed costs. So let me change back to purple. Okay, so we've got 20,000. Again, same fixed costs as before. But now we're going to divide it by this 0.4, the contribution margin ratio. Okay, and that's going to yield a total of $50,000 in sales. So if we ring up $50,000 in sales on our register, assuming that we sold each sub for this price, and then we had this variable cost, that's going to allow us to break even, or essentially, in other words, cover these fixed costs. चलिए ये तो इसमें उसका भी फॉर्मूला था अमाउंट का, और भी कुछ वीडियोस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जांपल्स की जब हम नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे. तो चले जी, दिस वाज द ब्रेक इवन पॉइंट, और आज हमने दो ब्रेक इवन पॉइंट देखे. वन वाज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड द अदर वाज द ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर अमाउंट. तो इसी के साथ एक हमारा टॉपिक रह गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्रेक इवन चार्ट का. वो थोड़ा सा आपने पहली वीडियो में उसका आइडिया ले लिया था, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे. सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ब्रेक इवन पॉइंट, अगर कोई है जी क्वेश्चंस तो आप अभी पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको मजीद लेके चलेंगे. दो तीन और फार्मूलाज हैं, तो सीवीपी एनालिसिस भी हमारा इंशाल्लाह ताला दो तीन हफ्ते चलेगा. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज एग्जांपल्स और दीज वीडियोस? चले जी, मेरा ख्याल है नहीं है कोई भी क्वेश्चंस एज यूजुअल. ओके, अच्छा जी, इस टाइम